हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम मिश्र अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बच्चों में जो फिजिकल इंटेलिजेंट कैसे होते हैं बच्चे, उनके क्या सिम्टम होते हैं, इस बारे में आपसे बात की थी। तो आज मैं जिस कैटेगरी के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मेंटली इंटेलिजेंट होना। वैसे तो इंटेलिजेंट होने को हमेशा यही माना जाता है कि मेंटली ही जब कोई इंटेलिजेंट होता है, जिसका दिमाग तेज़ होता है, शार्प माइंडेड जब कोई होता है उसी को इंटेलिजेंट माना जाता है। तो इसके भी सिम्टम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की कैटेगरी है। ये ही नहीं है सब कुछ, ये एक तरह की कैटेगरी है इंटेलिजेंट होने की बच्चे की। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आप जैसे बच्चे के साथ चेस खेल रहे हैं या फिर बच्चे के साथ लूडो खेल रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि बच्चा जो है बहुत ही माइंड का यूज़ करके, काफ़ी माइंड का यूज़ करके एक एक स्टेप को जो है अपने माइंड में काउंट करता है और उसे पता होता है कि उसे कहाँ पर जो है शेयर और मार का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, एक तो ये सिम्टम भी आपके बच्चे में आप देखेंगे, और जो दूसरा है उसका पिकअप पावर बहुत अच्छी होगी। किसी भी लैंग्वेज को समझने में वो बहुत अच्छा होगा, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिल द एज ऑफ सेवन एवरी चाइल्ड इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सात तरह की भाषाएं बच्चा 7 साल तक सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा है कि आपका बच्चा जो है कार्टून देखते देखते उसके डायलॉग्स को बहुत अच्छे से बोल लेता है, उसका जो है लिखने में किसी भी टॉपिक पे जो है वो बहुत अच्छे से अपना व्यू रखता है सामने, और आपको कई बार ये बताता है कि मामा जो है आपका ये वाला पहला स्टाइल अच्छा था, ये वाला नहीं है, या फिर कपड़ों को लेके भी आपको जो है वो सजेशन देता है, कलर्स को लेके वो आपको सजेशन देता है कि यहाँ पर ये नहीं, ये अच्छा लगेगा। तो आप मान लीजिए आपका बच्चा मेंटली इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। हमेशा जो मेंटली इंटेलिजेंट कोई भी बच्चा होगा या बड़ा होगा, उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और वो अपने सराउंडिंग जो है उनको ऑब्जर्व बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, कहीं आपका बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखने में बहुत जो है बहुत आगे तो नहीं है, आपका बच्चा जो है आपको सजेशंस देता है, आपका बच्चा जो है चेस या किसी भी गेम को खेलने में इंटरेस्ट दिखाता है, या फिर जब आप खेलते हैं तो जो है काफ़ी स्टेप्स का ध्यान रखता है, तो आपको जो है उसको इस तरह के इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला देना चाहिए, या फिर खुद से ही जो है घर पर ही आप कोशिश कर सकते हैं कि उसका मेंटली स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। उसे किसी भी तरीके की स्किल्स आप दिला सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर वो शार्प माइंडेड है तो अबेकस उसे ज्वाइन करा सकते हैं, या इंग्लिश क्लासेस उसे ज्वाइन करा सकते हैं, इंग्लिश के नए नए वर्ड उसे सिखा सकते हैं। वो गारंटी के साथ वो उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से कैच करेगा और जो है लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से सीखेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने बच्चे की इस स्किल पर ध्यान दीजिए। आपका बच्चा जब छोटा होता है तभी से वो आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देता है, तो उसकी इस इंटेलिजेंट होने को आप आगे ले जाइए और लाइफ में उसको सक्सेसफुल बनाइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे की कैटेगरी आगे की वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू एंड जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।